मेरा नाम चंपा मोरे है और मैं असिस्टेंट कोच के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो एशियन गेम खेलने जा रहे चाइना, उसमें शिखा चौहान जो वुमेन K1 वुमेन है और हितेश केवट K1 मैन, शुभम केवट K1 मैन और विशाल केवट C1 मैन। हम यहाँ से 1 तारीख को रवाना होंगे चाइना के लिए, जो प्रतियोगिता स्टार्ट होगी 5 से 7 अक्टूबर 2023। मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो बाहर इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है तो ये चाइना में भी अपना पूरा 100% देंगे और मेडल लेके आएंगे। मैं शुभम केवट, मैं स्पर का खिलाड़ी हूँ, केनो सलालम खेलता हूँ। मेरे एशियन गेम्स 5 से 7 अक्टूबर को होना है जो चाइना में होगा। वो पहले एशियन गेम्स खेल के पहले सिलेक्शन होता है, फिर ट्रायल देते हैं, फिर जाके एशियन गेम्स में सिलेक्शन होता है। कब से तैयारी चल रही थी इसकी? हमारी करीब 1 महीने से तैयारी चल रही है। वहाँ चाइना में 4 तरह के इवेंट हैं हमारे, एक C1, K1, C1 वुमेन, K1 वुमेन। आप कौन से इवेंट शामिल होंगे? मैं K1। इसमें क्या होता है? ये 2 साइड पेडल रहते हैं और बोट रहती है और उसे चलाया जाता है पानी में। क्या लगता है? हमारी जहाँ तक मेहनत है, हमें लगता है हम मेडल ला सकते हैं और अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छी रैंकिंग में आएंगे। मेरा नाम है हितेश केवट, मैं महेश्वर में रहता हूँ। मैं वाटर स्पोर्ट्स केनो सलालम एकेडमी का खिलाड़ी हूँ। कब से खेल रहे हैं? मैं करीबन 2-3 साल से खेल रहा हूँ। इसके लिए अभी पोलैंड ट्रेनिंग के लिए गए थे 20 से 25 दिन के लिए, जो कि मंत्री मैम और डायरेक्टर सर ने भेजा था। अभी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसे कि हम यहाँ महेश्वर में भी करते हैं, यहाँ से करके हम पोलैंड ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहाँ भी हमें अनुभव बहुत अच्छा मिला है और हम यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन दे और हम देश के लिए मेडल ला सकें। मेरा नाम शिखा चौहान है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और मैं अभी खेल अकेडमी विभाग में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है और कब से चल रही है? मेरी प्रैक्टिस अभी महेश्वर में चल रही है और अभी हम रिसेंट में ही पोलैंड गए थे, जहाँ पर हम 20 से 25 दिन का कैंप अटेंड कर आए हैं ताकि हम एशियन गेम में जा सकें और वहाँ पर हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और वहाँ से मेडल लेकर आ सकें। किस खेल में शामिल होंगी? अभी मैं कयाक में मैं अपना भाग लूँगी। मैं K1 की इवेंट खेलूँगी जो कि महिला वर्ग की है और ये 4 टाइप्स की होगी। इसमें K1 मैन वुमेन और C1 मैन एंड वुमेन होगी, जो कि अभी हाल ही में चाइना में होने वाली है। किस तरह की तैयारी रही इसकी? हमारी बहुत अच्छे से तैयारी रही है, हमारी महेश्वर में जो सहज धारा पे हम करते हैं वहाँ पर, उसके बाद हमने पोलैंड में जाकर तैयारी करी है ताकि हम एशियन गेम में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। मुझे 3 साल हो चुके हैं एकेडमी में ये गेम करते। अभी रिसेंट में ही मैं थाईलैंड गई थी, जहाँ पर मैंने कांस्य पदक प्राप्त करा है और मैं नेशनल गेम में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसकी नेशनल चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और अभी तक मेरे ऐसे 15 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। मेरा नाम विशाल केवट है, मैं महेश्वर जिला खरगोन से हूं और मैं केनो सलालम इवेंट में C1 खेलता हूं। जी, हमारा कश्मीर में ट्रायल्स हुए थे जिसमें जो टॉप खिलाड़ी थे उनका चयन हुआ था, जिसमें मैंने फर्स्ट मारा था और अब एशियन गेम्स के लिए हम जा रहे हैं। हम 4 लोग जाने वाले हैं जो अपने अपने सिंगल इवेंट करेंगे। कौन कौन से मेडल ले चुके हैं अपन नेशनल इंटरनेशनल? मैं 2022 में सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया है और एशियन चैम्पियनशिप जो कि थाईलैंड में थी उसमें मेरा 5 से 7 पदक है आर्टिफिशियल कोर्स में। तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि हम मेडल लेके आएंगे। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।